स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर। अभी इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पेंडिंग है, कल मैं आपके साथ इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी इसको एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, अब आप मुझे आंसर देंगे, ये क्या स्ट्रक्चर है हमारे पास? बोन्स। अब बोन्स से जो स्केलेटल मसल्स होती है वो किस स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच है? ठीक है, टेंडन्स जो है वो बोन को स्केलेटल मसल से जोड़ते हैं। इन्हें स्केलेटल मसल क्यों कहा जा रहा है ये भी आपको पता है, क्योंकि ये स्केलेटन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, This is the skeletal muscle. हम skeletal muscle का यहाँ section देख रहे हैं। Skeletal muscle की इस covering को क्या कहा जाएगा? Fascia is it is made up of? ठीक है, this is made up of white fibrous dense connective tissue. अब ये जो एक मसल है, मसल के बंडल में बहुत सारे मसल फैसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे मसल फैसिकल, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ब्लू कलर से मैंने मसल फैसिकल्स बनाए। मसल सेल में दो मसल फैसिकल्स के बीच में या बाकी मसल फैसिकल के बीच में आप देखें तो मैंने ये ग्रीन कलर से कनेक्टिव टिश्यू को शो किया है कि ये जितने भी मसल फैसिकल्स हैं इनके बीच में यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू फिल है। अब अगर आप एक मसल फैसिकल को अपन जूम करें, बाहर निकालें, तो दिस इज हाउ दिस मसल फैसिकल लुक लाइक। अब एक फैसिकल के अंदर, एक मसल फैसिकल के अंदर बहुत सारे मायोसाइट तो है, मसल फाइबर है। ठीक, तो एक पेरिमाइसिन है जिसको हम लोग ये बोल रहे हैं, दिस इज सॉरी, एक मसल फैसिकल में बहुत सारे मायोसाइट है। क्या है? बहुत सारे मायोसाइट। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने बाहर की तरफ निकाला, ये एक मायोसाइट का स्ट्रक्चर। ठीक है, मायोसाइट की कवरिंग को क्या कहा जाएगा? अगेन इट इज मेड अप ऑफ। अब देखिए, ये मसल फाइबर है या मसल सेल? मसल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड एज, ठीक, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। जब हम लोग स्केलेटल मसल की बात करेंगे, स्केलेटल मसल में दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्केलेटल मसल इज नोन एज सार्कोप्लाज्म, दी साइटोप्लाज्म ऑफ द स्केलेटल मसल इज नोन एज सार्कोप्लाज्म, एंड दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मैंने सारी चीजें यहां भी मेंशन कर दी। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब देखिए, एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? मायोफाइबर्स। एक मसल फाइबर में बहुत सारे मायोफाइबर्स होते हैं। ये मायोफाइबर दो यूनिट्स के, दो मायोफिलामेंट्स के बने। मतलब जब हम लोग इन दोनों मायोफिलामेंट्स की बात करेंगे तो ये दोनों मायोफिलामेंट्स एक मायोफाइबर बनाते हैं। जो हमारे पास थिन मायोफिलामेंट है, दैट इज नोन एज एक्टिन मायोफिलामेंट, एंड जो थिक मायोफिलामेंट होता है, दैट इज नोन एज। अब कल इन सब का हमें डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ना है कि एक्टिन का स्ट्रक्चर क्या है, मायोसिन का क्या है, इनमें से प्राइमरी कौन सा है या सेकेंडरी कौन सा है। आज जस्ट हमने एक सेक्शन देखा है स्केलेटल मसल का, मैंने आपको डिफरेंसेस बताया स्केलेटल मसल में, स्मूथ मसल्स में, कार्डिक मसल में। फिर हमने इसका आज एक सेक्शन देखा, कल अपने को क्या पढ़ना है कि ये जो मसल फाइबर है इसका हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे।